हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश पावर्ड बाय एन एकेडमी। सो आज हम लोग कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं गाइस, चार्ली का। देखते देखते कैरेक्टर स्केच की सीरीज में एक बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब विस्टास बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, द थर्ड लेवल, उसका मेन कैरेक्टर ओके चार्ली का कैरेक्टर स्केच आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। सो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गाइस हमारे सामने, चार्ली वाज द फर्स्ट वन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बेसिकली गाइस देखो, स्टोरी में आपको पता है बहुत सारी चीजें आप लोग सुनना चाहते हो कि सर रियलिटी क्या है, कि असली में गया था नहीं गया था। बेसिक देखो चैप्टर का टेल, अगर हम लोग अभी अपन लोग जो है रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो नहीं है ये ओके, कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो असलियत में नहीं गया था, ये सब उसके माइंड में। लेकिन वहां पे भी जो थर्ड लेवल का एक तरीके से जो रिबन कट होता है ना, उद्घाटन जिस तरीके से बोलते हैं, वो किसने किया है गाइस? चार्ली ने किया है ओके। चलो सो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है गाइस, इन हिज 30s, उनकी एज दे रखी है चार्ली की, आप लोगों को बताया हुआ है वो अपने 30s में ओके, स्टार्टिंग 30s, आई थिंक 30-31 उनकी एज है चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, पॉइंट नंबर थर्ड, नो वन वुड बिलीव हिम अबाउट द थर्ड लेवल ओके। यहाँ पे सिंपल सी बात है, उन्होंने ये चीज बोल दी थी जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को सैम से बात कर रहे थे, और कोई भी उनकी बात पे बिलीव नहीं करता, क्लियर है, कोई कर भी नहीं रहा था। जितनी भी अथॉरिटीज को उन्होंने बताया था, अपनी वाइफ को बताया था, तो वो लोग नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में कि थर्ड लेवल करके कोई प्लेस है। चलो पॉइंट नंबर फोर्थ है गाइस, हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कंसीडर्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ओके। अच्छा नाम है गाइस, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब वेकिंग ड्रीम मतलब जागते हुए एक ऐसा सपना, एक ऐसी ड्रीम देखना, विश फुलफिलमेंट जिसमें आपकी विशेष क्या होती है वो कंप्लीट होते हो जाती है ओके। जैसे मैं अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लाइव पढ़ाते वक्त भी इस चैप्टर को दिया था। बेसिक क्या है यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं बैठे बैठे अभी सपना देख रहा हूँ, अरे यार मैं लंदन घूमने गया ओके, मेरे को जाना पसंद है वहां पे, मैं एक बार विजिट करना चाहता हूँ, सो मैं कि वहां घूम रहा हूँ, मैं वहां पे ये करूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, ब्रिजेस पे जाऊंगा, ऐसा सब कुछ चल रहा है ओके। सो ये क्या है, मैं एक ऐसा ड्रीम है जो मैं अभी जागते हुए देख रहा हूं, और वो मेरे माइंड में वो कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो, कि वो मैं उस स्टेट में हूँ, उस वर्ल्ड में हूँ जहां पे मेरा ड्रीम है, वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, क्लियर है, कि भाई मैं वहां पहुंच गया हूं, वहां पे ये सब चीजें हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं वो सब। सो इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ऐसी जागते हुए ड्रीम्स देखना जिसमें आपकी विशेस क्या होती हैं वो पूरी हो जाती, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलो पॉइंट नंबर फिफ्थ है, सीम्स टू बी एन एस्केपिस्ट ओके। अच्छा पॉइंट है गाइस, यहाँ पे ये चार्ली के लिए लिखा हुआ है, चार्ली ऐसा लगता है कि वो एक एस्केपिस्ट है। एस्केपिस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चे लोगों, जो इस वर्ल्ड में हैप्पी नहीं है और जो ये जो रियल वर्ल्ड है ना उसको छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी दुनिया का मतलब ये नहीं है बच्चे लोगों कि भाई एलियन बन के चले गए, नहीं, जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी थिंकिंग में, अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, अलग ही वर्ल्ड में खो जाता है, समझ में आया इस चीज को। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, चार्ली क्या करता है, अपने माइंड में चीजें फ्रेम करके दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है कि थर्ड लेवल करके कोई है, वहां पे ऐसी चीजें हो रही है, सो उसको एस्केपिस्ट बोला गया। चलो पॉइंट नंबर सिक्स है गाइस, रिमेन्स अनहैप्पी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, चार्ली जो है वो अनहैप्पी रहता है, खुश नहीं है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हैं, फियर है, वॉर है, लड़ाई है, सो इन वजह से वो यहाँ पे हैप्पी नहीं है, वो अनहैप्पी रहता है ओके। चलो पॉइंट नंबर सेवन थे गाइस, वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ विच वॉज फुल ऑफ फियर इनसिक्योरिटी वॉर एंड वरी। ये चीज मैंने आपको समझाया कि वो इन सब चीजों से देखो रीजन ये है, ये एक्चुअल रीजन है उसके माइंड में, उसके अंदर जो है ना वो अब इस लाइफ से हैप्पी नहीं है ओके, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे फियर्स हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं, इनसिक्योरिटीज हैं एक दूसरे को लेके, वॉर है, वरी है, टेंशन है, सो वो यहाँ पे अनहैप्पी रहता है, इसलिए वो एस्केप करना चाहता है, समझ में आया, कि यार मैं कुछ टाइम के लिए, अभी हम नहीं होते गाइस, अगर आप लोगों को याद हो पढ़ाई करते हो अगर आप लोग या फिर कोई जॉब करते हो तो थोड़े दिन बाद आपको यार कि दो चार दिन का रिलैक्स चाहिए, दो चार दिन का मुझे छुट्टी चाहिए, ऑफ चाहिए, सो वैसे ही वो यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि यार मैं इस वर्ल्ड से यहाँ पे जितनी फियर है, वॉर है, लड़ाई है, इन सबसे थोड़ा एस्केप करना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ, समझ में आया स्टूडेंट्स, ये चीज है यहाँ पे। चलो
पॉइंट नंबर एट थे गाइज आपके सामने, इट सीम्स दैट इट्स ऑल इन हिज हेड। देखो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए रखा है ताकि ये आप लोगों को समझ में आए। एक्चुअल में ये एक फिक्शन चैप्टर है। फिक्शन का मतलब इमेजिनेशन पे, किसी की थिंकिंग पे बना हुआ कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, नकली स्टोरी बनाई हुई। ओके समझ में आया। सो ये सब चीजें उसके हेड में है, बात समझ रहे हो, कि ये सब उसके दिमाग में चल रही है। एक्चुअल में अगर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूजन दे तो यही दे सकते हैं, बात समझ में आया। चैप्टर में तो मानी बात उनको एक लेटर भी मिलता है, वो अपनी वाइफ को भी दिखाता है, लेकिन एक्चुअली में यही चीज समझे कि ये सब उसके हेड की स्टोरीज है, उसके दिमाग में चल रहा है। चलो पॉइंट नंबर नाइन थे गाइस, ही वुड लाइक टू वंडर इन टू अ फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस। अब यहाँ पे गाइस ये थर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रखा है उसको। वो क्या चाहता था, इस सब चीजों से निकल के वो चाहता था मैं एक ऐसे वर्ल्ड में चला जाऊं जहां पे पीस हो, जहां पे शांति हो, जहां पे यू नो रोमांस हो सब तरफ, एक पुराना तरीके का जमाना हो। ओके वो चाहता था वहां पे, वंडर का मतलब वो वहां पे रहना चाहता था, वहां पे घूमना चाहता था। क्लियर है। चलिए सो ये था आपका पॉइंट नंबर नाइन गाइस। पॉइंट नंबर टेंथ है और ये लास्ट पॉइंट है, गोइंग टू थर्ड लेवल गिव्स हिम पीस। ओके देखो अच्छा पॉइंट है, थर्ड लेवल पे जाने के बाद उसको पीस मिलती है। पीस मतलब समझते हो, शांति मिलती है। अंदर जो उसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, इतना डर, वॉर, लड़ाई, ये सब वो एकदम यू नो बंद हो जाती है कि यार ओ हो शांति मिली है मुझे, पीस मिली है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर जैसे वो थर्ड लेवल पे जाते हैं, क्योंकि वो उसको उसका चाइल्डहुड जो है ना पुराना, जो उसने अच्छे से स्पेंड किया था अपने ग्रैंडफादर के साथ, वहां उस सब चीजों की याद दिलाता है। समझ में आया। सो ये है गाइस आप लोगों का चाली का छोटा सा कैरेक्टर स्केच, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने आपको बताए हैं, इनको याद रखना। अब एक छोटा सा अच्छा अनाउंसमेंट है गाइस। अनाउंसमेंट क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसलिए ध्यान से देखना। अनअकैडमी आस्क अ डाउट, अनअकैडमी ने नया फीचर लॉन्च किया है गाइस, इसमें आप देख रहे हो, आप जैसे अनअकैडमी आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे आस्क अ डाउट ऑप्शन है। सो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अगर आप अपलोड करोगे तो कुछ टीचर्स उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके लिए, और सॉल्व करते वक्त प्रॉपरली उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के आपको पोस्ट करेंगे। समझ में आया, एज इन मीन्स आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। सो सपोज करो अगर आप यहाँ पे बैठ के होमवर्क कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, सो आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो, पेपर टाइम आ रहे हैं, तो मुझे लगा ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते और कोई टीचर नहीं है आपके पास, आप रात को 12 बजे क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ये दे सकते हो, वहां से जितना जल्दी आंसर हो सकता है वो आपके पास आ जाएगा। सो काफी अच्छा फीचर है गाइस, मुझे लगा आप लोगों को देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है या फिर बेसिकली इमेज क्लिक करनी है और वो दे देनी, और यू कैन ओके आपको जल्दी से जल्दी थोड़े से टाइम में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है गाइस। सो सिंपल तरीका है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, एनी टाइम पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आपके पास यू नो हाई क्वालिटी वीडियो में सोल्यूशन आ जाएगा हिंदी इन इंग्लिश में। क्लियर है गाइस, समझ में आया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में असिस्टेंट है ये, एक तरीके से आपकी मदद करेगा आपका होमवर्क कवर अप करने में। सो एक अच्छा आस्क अ डाउट फीचर है जो मुझे लगा काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है ट्वेल्थ के, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स आने हैं। सो मैंने सोचा बता देते हैं आप लोगों को। चलो आज का जो कैरेक्टर स्केच है, अच्छा वन मोर थिंग यहाँ पे रह गया था, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से। यू कैन यूज माई कोड, कोड क्या है बच्चे लोगों, जिसको सब्सक्रिप्शन लेना हो उसके लिए तो 10% डिस्काउंट है ही है अभी। जो फ्री कंटेंट अनलॉक करना चाहता है ना सिर्फ, उसके लिए भी ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोड के थ्रू 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश आपका जितना भी फ्री कंटेंट है वो सब अनलॉक हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है गाइस, सो यू कैन यूज दिस कोड जस्ट लाइक दैट। चलो सो आज का कैरेक्टर स्केच जो था चाली का उसको फिनिश करते हैं गाइस, फटाफट से मिलते हैं नए कैरेक्टर स्केच के साथ इसी वीडियो के, इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो है बेसिकली सैम का कैरेक्टर स्केच लेके आएंगे। चलो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं बच्चे लोगों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।